फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल ऑल फॉर यू। आज मैं आपके लिए बस 5 मिनट का एक ट्रिक लाई हूँ जिसमें आप लाइफ टाइम के लिए आपके लिए इंग्लिश लैंग्वेज एटलीस्ट इजी हो जाएगा, स्पेशली वर्ब। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर में वर्ब को देख रहे हैं। बीई का फॉर्म, बी का फॉर्म क्या है? इज, आर, एम, वाज, वर, हैव, वाज, हैड, डू, डज, डिड, ठीक है। और ये मैंने एक स्ट्रक्चर बना के रखा है। ये स्ट्रक्चर क्या है? बहुत ईजी है। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में हमारा आई और वी होता है, सेकेंड पर्सन में यू है, और थर्ड पर्सन में दे, ही, शी, इट है। मैंने ये स्ट्रक्चर आपकी सहूलियत के लिए बनाया, बहुत ही इजी है। किस तरह से इसको इस्तेमाल करेंगे सारे के साथ, और इन सबको, ये जितने भी हेल्पिंग वर्ड्स हैं, इन सबको बी फॉर्म जो है, इन सबको मैं यहाँ पे रख के दिखाऊंगी, सो दैट कि आप कभी भी कंफ्यूज ना हो। ओके, लेट्स स्टार्ट। आई के साथ सबसे पहले हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? आई एम। वी के साथ आर, यू के साथ अगेन आर, दे के साथ आर, ही के साथ इस, शी के साथ इस, और इट के साथ इस। अभी तक तो हम लोगों ने देखा एम, आर, 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 इस, इस। किसके साथ क्या है? आई के साथ एम, बी के साथ आर, यू आर, दे आर, ही इस, शी इस, इट इस। अभी तक सही है। अब हम लोग आ जाते हैं, हम लोगों ने ये तीनों को क्या कर लिया? कंप्लीट कर लिया। वाज, वेर, I was, ये वेर मैंने लिखा है। इसका भी एक पर्टिकुलर जगह पे इस्तेमाल होता है, वो मैं आपको बताऊंगी बाद में, बट लेट मी फिनिश फर्स्ट। वी वर, अब हम लोग क्या करें, पास्ट टेंस में चले गए हैं। ये अभी तक क्या था? प्रेजेंट टेंस था, ठीक है। आई एम अ बॉय, प्रेजेंट टेंस में आई एम अ बॉय, आई एम अ गर्ल, आई एम अ टीचर, आई एम अ स्टूडेंट, आई एम एन इंजीनियर, आई एम अ डॉक्टर। ओके, वी आर स्टूडेंट्स, वी आर डॉक्टर्स, वी आर ड्राइवर्स, वी आर चिल्ड्रन, यू आर। तो इस तरह से हम लोग प्रेजेंट टेंस को यहाँ पे क्या कर रहे थे? शो कर रहे थे। ही इज अ टीचर, ही इज अ बॉय, ही इज अ डॉक्टर, शी इज अ मेड सर्वेंट, और शी इज अ डॉक्टर, शी इज एन इंजीनियर, शी इज अ टीचर, शी इज प्रिंसिपल। ओके, शी इज द प्रिंसिपल। उसके बाद इट इज अ डॉग, इट इज अ ट्री, ठीक। अब हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं पास्ट टेंस में। हम लोगों ने यहाँ पास्ट टेंस को देखा है, यू वर, दे वर। यहाँ पे मुझे दे का भी आपको बताना है कि दे की जगह पर अगर आप किसी भी प्लूरल फॉर्म को इस्तेमाल करते हैं तो उनका ये स्ट्रक्चर पूरा सेम रहेगा। दे की जगह पर अगर आप चिल्ड्रन यूज करते हो, पीपल यूज करते हो, ठीक है। अगर आप यहाँ पे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, ड्राइवर्स, ग्रैंडफादर्स, ग्रैंडमदर्स, ओके, पेरेंट्स, ये सब इस्तेमाल करते हो तो भी आपका ये स्ट्रक्चर सेम रहेगा। ही इज, ही वॉज, शी इज, शी वॉज, इट इज, इट वॉज। सिर्फ 5 मिनट का ये वीडियो है, इसमें आप देख लीजिए। वेयर हम लोग कहाँ इस्तेमाल करते हैं? आई के साथ। जब हम लोग ये बोलते हैं कि इफ आई वर द प्रेसिडेंट, अगर मैं प्रेसिडेंट होती तो क्या करती, इफ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारे जगह पे होती तो क्या करती, ठीक है। तो वहां पे वॉज नहीं लगेगा, बहुत सारे बच्चे या हम लोग खुद भी कंफ्यूज करते हैं। तो इफ आई वर अ टीचर, अगर मैं टीचर होती तो क्या करती, इफ आई वर द फादर, ओके, मैं अगर फादर होती, पिताजी के जगह पे होती तो मैं क्या करती, इसलिए वह हम लोगों ने लगाया। और एल्स वर का हम लोगों को पास्ट टेंस में आई के साथ जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। अब हम लोगों ने वॉज वर कंप्लीट किया। हैव हैज हैड, हैव हैज हैड का मतलब क्या? पोजेशन, मतलब आपके पास क्या है, ठीक है। तो आई के साथ हम लोग क्या करते हैं? आई हैव, ठीक है, वी हैव, यू हैव, दे हैव। लेकिन जैसे हम लोग ही शीट में आते हैं थर्ड पर्सन में, यहाँ पे सीधा सीधा हम लोगों का होता हैज, शी हैज, इट हैज। अब इट हैज में क्या होगा? जैसे ट्री के बारे में पढ़े तो ट्री हैज लीव्स, ओके, डॉग हैज टेल, या फिर ही हैज एन अम्ब्रेला, उसके पास एक अम्ब्रेला है, और शी हैज अ डॉग। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है वो पोजिशन शो करता है, ठीक है। लेकिन अब जब हम लोगों ने हैव हैज यूज किया, अब हैड, हैड मतलब था। हमारे पास अभी प्रेजेंट में क्या है? आई हैव अ मार्कर, आई हैव अ बोर्ड, ओके। और इसके बाद अगर मैं यहाँ पे हैड लगा दे रही हूँ, आई हैड अ मार्कर, आई हैड अ बोर्ड, मेरे पास बोर्ड था, मेरे पास क्या, मार्कर था। अगर हम बोलते हैं, मैंने इसका बहुत पहले भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, जब मेरे स्टूडेंट्स मेरे से पूछा करते थे, आई हैव एन एग, आई हैड एन एग, खा लिया,
एग को मैंने खा लिया बनाकर, तो वो मेरे पेट में अब हैड हो गया, ठीक है। तो घास क्या है, एक था कि जब मतलब फील्ड पे घास था और उसके बाद गाय ने खा लिया तो घास खत्म, तो हैड हैड और हैज हैड, इसी तरह से आप एग्जाम्पल्स का बना सकते हो। हैड सबके साथ लगेगा, ठीक है, हैड हमारा सबके साथ लगेगा। हैड और डिड ऐसा फॉर्म है वर्ब का जो आपके तीनों टेंसेस में यूज होंगे, ठीक है, तीनों टेंसेस में। अब जैसे हमारे पास है डू डज डिड, ये हमारा एक्शन शो करता है, ठीक है। इज आर एम का मतलब होता है कि हम क्या हैं, व्हाट वी आर, इसको बोलते हैं बीइंग, ठीक है। इज आर एम को क्या बोलते हैं, बीइंग, आप क्या हो, वॉज वेयर, इज आर एम वॉज वेयर को क्या बोलते हैं, बीइंग। हैव हैज हैड को क्या बोलते हैं, पोजेशन, मतलब आपके पास क्या है, पोजेशन, ठीक है। और डू डज डिड को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्शन, आपने क्या किया या क्या करते हो। नेक्स्ट, आई डू माई होमवर्क, वी डू आवर वर्क, यू डू योर वर्क, दे डू देयर वर्क, कुछ भी, ओके। लेकिन जब हम लोग थर्ड पर्सन फिर से सिंगुलर में आते हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो यहाँ पे क्या होता है हमारा, डज, ओके, डज, डज। हम लोगों ने डू डज को देख लिया, डू डज हमारा प्रेजेंट फॉर्म में है, लेकिन जैसे ही हम लोग पास्ट फॉर्म में आएंगे, ये हमारा क्या है, पास्ट टेंस, ठीक है, ये हमारा क्या है, प्रेजेंट टेंस, ये हमारा क्या है, प्रेजेंट टेंस, अगेन ये हमारा क्या है, प्रेजेंट टेंस, और ये हमारा क्या है, पास्ट टेंस, ओके। डिड क्या किया, डिड हमारा सबके साथ जाएगा, वी विल यूज डिड विद ईच एंड एवरी पर्सन, दैट इज फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ओके। आई होप दैट फ्यूचर में अब आप लोग कंफ्यूज नहीं करेंगे, डू डिड डस ये हो गया है, ठीक है। एक और चीज बताना था, ये जो एम है, ठीक है, इसको आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। आई एम इन द मार्केट, शी इज इन द मार्केट, यू आर इन द स्कूल, दे वर इन द प्लेग्राउंड, इस तरह से, मतलब हम लोग कहाँ हैं, बीइंग, ठीक है। उस अब हम लोग प्लेस के पोजीशन के आधार पे भी इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने इसको देख लिया, बहुत इजी स्ट्रक्चर है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। और इस स्ट्रक्चर को आप क्या कीजिए, एक बार एग्जांपल के तौर पे बहुत सारे सेंटेंसेस बनाएंगे, इसके बाद हम लोग स्पोकन में भी जाएंगे, स्पोकन में देखेंगे इसी से छोटे छोटे पहले सेंटेंसेस बना रहे हैं और फिर उस छोटे सेंटेंसेस को बड़े में करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय।